पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया मानसून, पूर्णिया सहित सीमांचल के इलाकों में हुई अधिकतम बारिश, 285 mm बारिश किया गया दर्ज। बता दें मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार मानसून ने तोड़ दिया है। जानकारी देते हुए पूर्णिया के मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार कहते हैं, पिछले 24 घंटे में बारिश की अगर बात की जाए तो मानसून का बारिश पूर्णिया जिला के डगरवा में 203.6, जलालगढ़ में 200.4, टेढ़ा गाछी में 266.2 और श्रीनगर में 246.6, चरघरिया में 285.0 mm पानी दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कटिहार जिला की अगर बात करें तो कटिहार जिला में कटिहार के पोठिया में 197.8 mm तो वहीं मनिहारी में 170.0 mm पानी दर्ज किया गया। साथ ही साथ किशनगंज के कोचाधामन में 250 mm और बहादुरगंज में 200.6 mm पानी दर्ज किया गया। वो कहते हैं कि अररिया के नरपतगंज में 204.4 mm, फॉरबिसगंज में 340 mm, रानीगंज में 269.2 mm और कुर्साकाटा में 231.6 mm पानी दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मानसून की बारिश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम मानसून की बारिश अररिया के फॉरबिसगंज में 340.0 mm दर्ज किया गया। वहीं इस तरह की बारिश पिछले 5 वर्षों के मानसून का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्या कुछ कहते हैं मौसम विभाग के अधिकारी, आइए हम पूरी रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं। सर, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो मानसून का असर पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल के कई जिलों में देखा गया, ऐसे में किस किस जिले में कोसी सीमांचल के कितने बारिश दर्ज की गई? जैसा कि देखें मौसम काले पूर्णिया में ही देखें तो पिछले 24 घंटे में जो बारिश दर्ज किया गया है वो लगभग 148 mm दर्ज किया गया है। पूर्णिया के अलग अलग ब्लॉक में भी देखे जो डेटा आया है, जो के नगर है या बनमनखी है, बायसी है, इन सब में देखें तो जो घर इसका डेटा देखें तो उसमें जो है टेढ़ा गाछ में 266.2 mm है, उसके बाद जो है चरघड़िया में 285 mm है। उसके अलावा देखें तो कटिहार के जो अलग अलग ब्लॉक है उसमें भी अत्यंत भारी बारिश जो है हुआ है। उसके बाद अररिया में अधिकतर जगह बारिश हुई है, अलग अलग ब्लॉक के आंकड़े बता रहा है कि अति भारी बारिश बहुत जगह हुआ है, कुछ जगह अत्यंत भारी बारिश हुआ। उसमें से देखें तो जैसे रानीगंज में 269.2 mm बारिश हुई है और देखें तो श्रीनगर ब्लॉक में 246.6 mm बारिश हुई है, बहादुरगंज में 200 mm बारिश हुई है और डगरवा में जो पूर्णिया का है 203.6 mm बारिश हुई है, नरपतगंज में 204 mm बारिश हुई है, पोठिया में 197 mm बारिश हुई है, जलालगढ़ में 200 mm बारिश हुई है और अररिया में 224 mm बारिश हुई है। इस तरह से देखें तो जो सुपौल है, मधेपुरा है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है, सीमांचल और कोसी के क्षेत्रों को मिला के देखें तो अधिकतर जगह जो है भारी से अति भारी बारिश और कुछ जगह पर अत्यंत भारी बारिश हुई है, जो कि लगभग 340 mm बारिश भी जो है दर्ज किया गया। फारबिसगंज में देखें तो 340 mm दर्ज किया गया। तो इस कारण से क्या हुआ है कि जो लोकल और क्षेत्रीय नदी है और उसमें काफ़ी नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी हुआ और जो निचले इलाके हैं उसमें पानी भर गया है, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में बारिश हुई और सबसे कम किस ज़िले में बारिश हुई? बारिश के आंकड़े के आधार पर देखें तो जो किशनगंज है, अररिया है और सुपौल है और पूर्णिया है, मधेपुरा है, तो इसमें से देखें तो अररिया, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार जो सीमांचल की चारों जिले हैं उसमें अधिकतर जगह भारी बारिश हुई है और कुछ जगह अति भारी बारिश हुई है कुछ स्थानों पर और कुछ जगह अत्यंत भारी बारिश हुई है। ये चार जिलों में जो सीमांचल के जिले हैं इसमें कितना मिलीमीटर तक अधिकतम बारिश दर्ज किया गया? उसमें से देखिए तो फारबिसगंज में ही 340 mm जो अधिकतम अभी दिख रहा है 24 घंटे के रिकॉर्ड के आधार पर 340 mm यानी कि 34 cm बारिश, ये अत्यंत भारी बारिश की श्रेणी में आता है। परिचय बता दें।
वैज्ञानिक सहायक मौसम केंद्र पूर्णिया राकेश कुमार। एक चीज़ और, इतने में कब से इतना बारिश जो है इस तरह की कितने साल बाद हुई होगी इतना भारी बारिश अगर देखें तो? 24 आवर्स में देखें तो ये कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है 24 आवर्स की बारिश के हिसाब से देखें तो, क्योंकि सिस्टम इस तरह से बना हुआ था कि जो आपको तराई के जिलों के क्षेत्र है उसमें और पूर्णिया भी कटिहार भी, तो उसमें जो है अत्यंत भारी बारिश देखे तो इस मानसून सीजन में जो जून से शुरू हुई 1 जून से उसमें सबसे अधिक बारिश एक दिन में देखा जाए तो इसमें हुई है। अभी आगे संभावना भी है बारिश की? आगे 48 घंटे हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जो है, बादल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश है, कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश है, खास करके तराई वाले क्षेत्र जो है अररिया किशनगंज सुपौल वगैरह में अभी मध्यम स्तर की कुछ जगहों पर भारी बारिश भी है तराई वाले क्षेत्रों में, लेकिन पूर्णिया के लिए कटिहार के लिए इन सब के लिए हल्की बारिश है।